हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर केस स्टडी वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। सो इस मर्डर केस में सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ऐड करी गई है सारी की सारी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, एंड पब्लिक डोमेन से हमने रेफर करके इसे कंपाइल किया है एक वीडियो में, जो कि कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पजेज के लिए है। पंजाबी सिंगर सॉन्ग राइटर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर 29 मई 2022 को एक शूट आउट में हुआ। जितने भी लोग इस शूट आउट में इन्वॉल्व थे सारे के सारे अनआइडेंटिफाइड थे, एंड इस शूट आउट के एक दिन पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने सारी VIP सिक्योरिटी किसी इम्पोर्टेंट काम से रिमूव कर ली थी, एंड जो सिंगर थे इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स ही बचे थे। जिस दिन ये शूट आउट हुआ अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स घर पे थे, एंड जो सिंगर थे अपने 2 दोस्तों के साथ पास में ही अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे थे। सिंगर मूसा गांव के रहने वाले थे जो कि मानसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड ये अपने घर से निकल के जवाहर केक तक पहुँचे थे जहाँ ये सारा शूट आउट हुआ। सो इनका जो स्टेज नेम था सिद्धू मूसेवाला वो इनके गाँव को रिप्रेजेंट करता था, एंड वो ये भी बताता है कि वो अपने विलेज से अपने गांव से कितना ज़्यादा कनेक्टेड थे। उनके पहले ही रीसेंट पास्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, एंड मानसा से ही उन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था जिसमें वो नहीं जीत पाए। ये जब सारा शूट आउट हुआ इसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लेके जब जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेड बता दिया, एंड देन उसके बाद ये सारी न्यूज़ सारी सोशल मीडिया में एंड न्यूज़ चैनल्स पे चली गई। इस सारे शूट आउट के बाद जब सारे सोशल मीडिया में वीडियोस एंड न्यूज़ जब वायरल हो चुकी थी, इसके बाद फेसबुक पोस्ट के थ्रू कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो शूट आउट हुआ है वो गैंग राइवलरी की वजह से हुआ है। इस पूरे शूट आउट में 30 राउंड्स फायर किए गए थे, एंड ये जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बुलेट की जो केसेस हमें मिली थी जिसे हम कहते हैं कार्ट्रिज केसेस, सो कार्ट्रिज केसेस के मिलने से हम ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 30 राउंड मिनिमम 30 राउंड्स फायर किए गए थे इन दी होल शूट आउट। तो जैसे कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फेसबुक पोस्ट के थ्रू, सो ये जो राइवलरी थी वो थी इंटर गैंग राइवलरी की वजह से। ये बिलीव किया जा रहा था कि 2021 अगस्त में एक अकाली दल के नेता थे विकी मिडुखेड़ा, सो उनकी मौत का बदला लेने के लिए ये सारा शूट आउट हुआ। अब ये जो अकाली दल के नेता थे विकी मिडुखेड़ा, इनके मर्डर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन पंजाबी सिंगर का, बट एलिजिबली ये कहा जा रहा था कि जो इनके मैनेजर है रीट उनका किसी भी वे में इन्वॉल्वमेंट विकी मिडुखेड़ा के मर्डर केस से था। एंड जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया शगनप्रीत जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर थे उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे ही बताया गया वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, एंड ऐसा माना जा रहा था कि इनके ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे सिद्धू मूसेवाला का हाथ है, मतलब जो सिंगर थे उन्होंने अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया बिकॉज ऑफ ऑल दैट केस। एंड उसके बाद से ही ये जो गैंग है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर गोल्डी बरार जिन्होंने फेसबुक पोस्ट के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके ये टारगेट बन चुके थे, एंड तब से ही इनका मर्डर का प्लान किया जाने लगा था। जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हुई इस प्लान का एग्जीक्यूशन टाइम आ चुका था बिकॉज ऑफ इलेक्शन, पूरे टाइम VIP सिक्योरिटी इनके आसपास होने की वजह से उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। सो जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुए इन इम्पॉर्टेंट काम की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने VIP सिक्योरिटी रिमूव करी, सो ये सही टाइम था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का, एंड इन्होंने 29 मई 2022 को अपना प्लान एग्जीक्यूट किया जिसमें इस फेसबुक पोस्ट से जो क्रिमिनल्स हैं उनका मोटिव क्लियर था कि उन्होंने बदला लेने के लिए ही ये शूट आउट कराया है और ये मर्डर कराया है। सो जो कॉज ऑफ डेथ था जो मेडिकल रिपोर्ट हमें मिली उस पर कॉज ऑफ डेथ था हेमोरेज एंड शॉक। सो ये जो हेमोरेज एंड शॉक है जो इन्होंने 19 बुलेट इंजरी सस्टेन करी थी उसके वजह से हुई थी, एंड डॉक्टर्स ने ये बोला कि सारे शूट आउट के बाद जो इन्होंने 19 बुलेट इंजरी सस्टेन करी थी उसकी वजह से विद इन 15 मिनट्स इनकी डेथ हो गई। 19 बुलेट्स इंजरी इन्होंने सस्टेन करी थी वो कोई भी इनके फेस पे नहीं थी, कोई भी इंजरी फेस पे नहीं थी, जितनी भी इंजरीज इन्होंने सस्टेन करी थी मोस्टली वो एब्डोमेन में करी थी। एंड इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया
राइट साइड की रिब सारी की सारी टूट चुकी थी बिकॉज ऑफ बुलेट वुंड्स, एंड जो लिखा वो भी बुलेट इंजरी सस्टेन करने की वजह से ट्रॉन हो चुका था। सारे शूट आउट के बाद जब वहाँ की लोकल पब्लिक इकट्ठी हुई एंड उस टाइम पे उनका ये कहना है कि तब तक उनकी सांसें चल रही थी एंड उनकी सांसें विद इन 10 to 15 minutes तक ही चल रही थी। साथ एक ये भी न्यूज़ थी कि जो शूट आउट हुआ था इट वॉज अराउंड 5:25 एंड पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी 5:50 को। सो अराउंड 25 minutes का गैप था। तब तक मेडिकल एग्जामिनेशन में सिद्धू मूसेवाला के कपड़ों से गन पाउडर भी रिकवर हुआ, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जो भी फायरिंग हुई थी वो बहुत ही क्लोज रेंज से हुई थी। इसी वजह से जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचे तब तक इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, बट डॉक्टर्स ने क्लियरली ये बताया कि बॉडी वॉज ब्रॉन डेड। पंजाबी सिंगर वॉज 28 years old एट द टाइम ऑफ दिस शूट आउट एंड इनके सारे लास्ट रिचुअल इनके गाँव में ही किए गए, मूसा विलेज में मानसरा डिस्ट्रिक्ट। ये सारी की सारी केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रही। कोई ये मर्डर मिस्ट्री नहीं थी क्योंकि शूट आउट के जिस बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई थी ये कैनेडा बेस्ड गैंगस्टर के साइड से। सो जितने भी लोग इस शूट आउट में इन्वॉल्व थे पंजाब पुलिस सभी को ऑलमोस्ट पकड़ चुकी है एंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी पकड़ना बाकी है, बट दिस केस वॉज रियली ओपन फ्रॉम द स्टार्ट जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई थी तब से ही। सो दिस केस इज अगेन रियली वेरी अनफॉर्चुनेट एंड बैड। सो जैसे ही सारे अरेस्ट हो जाएंगे इस केस के ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे कोर्ट में। सो लेट्स जस्ट होप जितने भी लोग शूट आउट में इन्वॉल्व थे उन सभी को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ ले एंड जस्टिस जल्द से जल्द सर्व करी जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। सी यू इन द नेक्स्ट केस स्टडी। टिल देन टेक केयर।